असल में कतन होना जो है बाकी के दिन में तुम्हारे काजी हुए तो करे हो वहां पे एक्सपोर्ट कर जो होना नहीं आता वो टाइम पर तो जब भी तो रोड नहीं है और यहां आई यहां तो इधर रोड नहीं है हम तो 1 किलोमीटर दूर तक दूर तो सोचने की बात ये भी है जो ऊपर पत्थर रखे गए हैं इतने ऊपर पत्थर कौन ले गया हो इतने ऊपर उनको। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक और न्यू मंदिर समूह में जहां विजय भाई आगे से जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मंदिर है। बड़ा लोकेशन गाइस यहां पर कुआं भी है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं कचहरी मंदिर में। देखिए ये मंदिर सबसे थोड़ा अलग टाइप का मंदिर है, अलग जो हमने जितने मंदिर आज तक अभी तक देखे हैं उनमें थोड़ा ये थोड़ा अलग टाइप का मंदिर है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आगे हमारे पास। जितने भी ये सारे मंदिर हैं ये सब सरकार के अंदर आते हैं, इनकी देखभाल हो गई, इनका मेंटेनेंस सब कुछ सरकार द्वारा किया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं फ्रंट साइड से। मैं आप लोगों से बेची कहना दोबारा कहना चाहूँगा ये सारे मंदिर जो हैं सब सेम ही प्रकार के मंदिर हैं, सेम टाइप से काटे गए हैं, सेम ही कारीगर द्वारा किए गए मेरे। काफी भव्य मंदिर है, काफी बड़ा है और काफी लंबा भी है। तो हमारे कैमरा मैन जाएंगे फोकस करो। तो यहाँ पर ये कुआं बनाया गया है तो पता नहीं ये तो एक थोड़ा सा कुआं टाइप, लेकिन कुआं शायद होगा नहीं होगा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये शायद कुआं ही होगा उस समय में, क्या पता ये मिट्टी से भर गया हो अभी इस समय, हम कुछ बोल सकते हैं इसके साथ। ये मंदिर के जल संरक्षण के लिए किया जाता था तो उसी के लिए इसका उपयोग आता था। बहुत ही बेहद खूबसूरत यहाँ पर कलाबाजी की गई है पत्थरों पर। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मंदिरों में कलाबाजियां की गई हैं और आज हम हैं द्वारहाट से लगभग 500 मीटर दूर कचहरी मंदिर में और इसके अंदर कैमरामैन दिखाइए किस प्रकार के पत्थरों पर कलाबाजी की गई है। आप ये देख सकते हैं और यहाँ आइए दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, स्वयं राम जी के भक्त ये है तो ये कुछ बोलना चाह रहे थे अभी थोड़ा सा नाराज हो गए, कोई बात नहीं सह लेंगे तो हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर का दृश्य। देखिए साइड भी पत्थरों से काट के डिजाइन बनाए गए हैं ये पांव रखने के लिए ऊपर जाने के लिए, और देख सकते हैं इस साइड भी काफी नक्काशी की गई है। ये मंदिर थोड़ा जो हमने जितने मंदिर अभी तक देखे हैं उनसे थोड़ा भव्य मंदिर है, थोड़ा बड़ा मंदिर है, थोड़ा अच्छा इस मंदिर के थोड़ा दृश्य थोड़ा अच्छे है। देखिए आप देख सकते हैं ये काफी पुराने मंदिर है, देख सकते हैं आप ये जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी उम्दा नक्काशी की गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए काफी एकदम ऐसा लग रहा है इसको लेजर से काटा गया होगा, लेकिन इन्होंने परफेक्ट काटा गया है उस समय की लगभग ये सन 1100 या 1000 ईस्वी पुराने मंदिर हैं।
आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग रखा गया है। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे इसके साइड का दृश्य। काफी ऊंचा, काफी भव्य मंदिर है। ये इसके पीछे का दृश्य है, इसके आप देख सकते हैं पीछे का दृश्य भी काफी सुंदर है। काफी भव्य मंदिर है। तो अभी आपको ले आते हैं हम दूसरी साइड। जैसे कि इस साइड देखिए, आपको काफी अलग नक्काशी दिखेगी, अलग दूसरे मंदिर से। ये शायद अंदर यहाँ पर शिवलिंग होंगे, तो उसके लिए जलाभिषेक करने के लिए पानी जब आता है जलाभिषेक करने के बाद ये नीचे आता होगा। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ से आप। तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्थरों के आकार हैं, उस टाइम पे भी देखिए कितने मतलब डिजाइनदार पत्थर, और पूरे लगभग ये 1 मीटर प्लस का ये पत्थर है, और इससे भी बड़े पत्थर यहाँ की जो छत के लिए रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम से कम। तो ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि इन पत्थरों को ऊपर कैसे ले गया होगा। और ये मंदिरों को देखिए, इस मंदिर का आकार जितने भी हमने द्वारहाट मंदिर समूह के अंतर्गत देखे हैं उसके अपेक्षा में, उसकी तुलना में काफी इनकी जो लंबी दीवारें बनाई गई हैं। तो मैं कैमरामैन से अनुग्रह करना चाहूंगा कि वो अंदर आके दिखाएं इन चीजों को थोड़ा। तो यहाँ ये डिजाइनदार पत्थरों के मदद से पूरी श्रेणियां बनाई गई हैं। यहाँ मंदिर के अंदर आके देखेंगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसी कलाएं आपको बाहर देखने को मिलती हैं, जो चीजें आपको बाहर जो नक्काशी पत्थरों पर बाहर के साइड है, वही नक्काशी इन मंदिरों के अंदर की ओर को भी देखने को मिलती है। और बाकी मंदिर की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है अन्य मंदिरों की तुलना में, जो की अभी तक हमने एक्सप्लोर की है द्वारहाट मंदिर के अंतर्गत। तो सोचने की बात ये भी है, जो ऊपर पत्थर रखे गए इतने ऊपर पत्थर कौन ले गया हो इतने ऊपर उनको, काफी इससे भी ऊंचे मंदिर हमारे इंडिया में। सोचने की बात है कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर, इनको ऊपर कैसे रखेंगे, रखे गए होंगे पत्थर। और उस टाइम पे ना कोई क्रेन की सुविधा थी, ना कुछ थी, कुछ था, और एक्सपोर्ट भी ऐसे हुआ होगा इसका यहाँ तक, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं इसमें ये पत्थर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जितना चौड़ा है ये, और खड़े में लाने में इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी। इसमें जो है बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जो की ऊपर रखी गई हैं, जो की अविश्वसनीय है, असंभव है रखना इंसान के लिए खासकर।